हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से, मेरा यूट्यूब चैनल वाटिका। फ्रेंड, ये बीज मेरे सीड्स पिछले साल के रखे हुए, यानी कि पिछले सीजन के मैंने रखे हुए थे। और फ्रेंड, ये मेरे इसका मुझे कलर नहीं पता है, ये पिटूनिया के हैं, सर्दी वाले, और इन्हीं को ही मैं ग्रो करूँगी। फ्रेंड्स, इसमें सीड बहुत अच्छी बनी हुई है, इसको मैंने उठा के रख दिया था। फ्रेंड, वो गेंदे का है और बहुत बड़ा गेंदा है ये, मैरीगोल्ड का। फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा है, इसकी भी मैंने सीड उठा के रख दिया था इसमें। अब मैं इनको ग्रो करूँगी। फ्रेंड, अच्छे भी अपने सीड्स होते हैं, उनको उठा के रख देना चाहिए अगले सीजन के लिए, और उन्हीं को ग्रो करें, जितना हो जाएगा ठीक है। ये फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा मैरीगोल्ड है, बहुत छोटे छोटे हैं इसके फूल, ये कहीं से मैं लेके आई थी। और इसकी सीड्स भी देखो कितनी अच्छी निकली है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं और कलर इसके अलग अलग हैं और साइज में छोटे बड़े हैं। ये वाले छोटे हैं, इधर वाले जो पीले कलर के दिख रहे हैं, ये तो बड़े वाले हैं। एक ये भी है, इसका मुझे कलर नहीं पता। फिर इसलिए मैं सबको ग्रो कर दूंगी, जो हो जाएंगे वो ठीक है। और मैं इसको लगाते टाइम की वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मुझे गमलों में ही जो मेरे मनी प्लांट के हैं, जो नीचे से खाली है, मैं उनमें ही ग्रो करूँगी, क्योंकि गमला कोई ऐसा खाली नहीं है। इन्हों में मैंने मैक्सिकन पिटूनिया के रखे हुए हैं, कलर मुझे ध्यान नहीं है कौन सा कलर कौन सा, क्योंकि मैंने लिख नहीं रखा है इसमें, इसलिए मैं कर ही दूँगी। अब बस देखना ये है कि ये होते हैं नहीं होते। इसको मैं गमलों के उसमें ही लगा दूंगी, जैसे ड्रेसिना वगैरह होते हैं, क्योंकि नीचे से बिल्कुल खाली रहते हैं ये, तो उसी में ही मैं इनको लगाऊंगी। तो खुल नहीं रहा एक हाथ से। ये भी बहुत अच्छी शीट है इसमें। और बहुत छोटे छोटे होते हैं ये मैक्सिकन पिटूनिया के। राई से भी छोटे हैं ये। फ्रेंड, में भी बहुत अच्छे बीज निकल रहे हैं और मैं सभी को ही लगा दूंगी। ये गजनिया का है, इसकी सीड मुझे खास अच्छी नहीं लग रही है, पर मैं डाल दूंगी, होगा तो ठीक है, नहीं तो नर्सरी से ले लेंगे। ये फ्रेंड, मैंने सारी शीट अपनी निकाल ली है और इनको मैं अब सभी गमलों में डाल दूंगी। फ्रेंड,
रेड यही दिखा रही थी मैं आपको। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।